हेलो दोस्तों, आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन, संविधान संशोधन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता है वो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट देखते हैं। सबसे पहले सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था। 1956 में सातवां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जिसके अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और दसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में हुआ था। 1961 में दसवां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें दादर नगर हवेली को भारत का अंग बनाया गया था। दादर नगर हवेली को भारत का अंग बनाया गया था। बारहवां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, जिसमें गोवा, दमन और द्वीप को भारत का अंग बनाया गया था। गोवा, दमन और द्वीप को बारहवां संविधान संशोधन 1962 के तहत भारत का अंग बनाया गया था। तेरहवां संविधान संशोधन, तेरहवां संविधान संशोधन 1962 में ही हुआ था। तेरहवां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, जिसमें नागालैंड को नया राज्य घोषित किया गया था और उसे कुछ विशेष उपबंध के साथ, नागालैंड को नया राज्य घोषित किया गया था। चौदहवां संविधान संशोधन में पुदुचेरी को भारत का अंग बनाया गया था। ये भी 1962 में ही हुआ था। 1962 में बारहवां, तेरहवां और चौदहवां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें बारहवां संविधान संशोधन में गोवा, दमन, द्वीप को भारत का अंग बनाया गया था। तेरहवां में नागालैंड को, चौदहवां में पुदुचेरी को भारत का अंग बनाया गया था। अब आइए देखते हैं, 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 को हुआ था, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। 36वां संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि संपूर्ण प्रस्तावना में जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ साथ तीन नए शब्द जोड़े गए थे, जो थे पंथ निरपेक्ष समाजवादी, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तीन नए शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और प्रस्तावना को लघु संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया था। 44वां संविधान संशोधन जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव के मतदाताओं को 21 वर्ष आयु से घटा करके 18 वर्ष आयु किया गया। मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 में। अब आइए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 21 का क, 45 तथा 51 का क जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 का क, 45 तथा 51 का क जोड़ा गया था। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 52वां नहीं, 92
2003 में हुआ था। बेरौन बाबा संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें डोगरी मैथिली बोडो संथाली डोगरी मैथिली बोडो संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है, जिसमें बिरौनवेवा संविधान संशोधन 92 संविधान एमेंडमेंट में बोडो डोगरी मैथिली संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में हुआ था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें भारत में सकल कर व्यवस्था GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपनाने हेतु यह संशोधन किया गया था 101 संविधान संशोधन में। आइए अब देखते हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। अनुसूची, जिसको इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं, अनुसूची भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ, कितने अनुसूची है तो 12 अनुसूची है, जबकि मूल संविधान में ये 8 अनुसूची ही था और 4 अनुसूची को बढ़ाया गया है, तो कुल अभी 12 अनुसूची हैं। अब पहली अनुसूची में संघ तथा राज्य के विवरण को प्रस्तुत करता है। पहली अनुसूची जो है राज्य के क्षेत्र के विवरण को प्रस्तुत करता है, संघ तथा राज्य के क्षेत्र को विवरण को प्रस्तुत करता है। दूसरी अनुसूची माने द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का विवरण को बताता है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन का वेतनों एवं भत्तों को बताता है या वर्णन करता है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण आदि के विवरण को बताया गया है, शपथ ग्रहण आदि के विवरण को बताया गया है। चतुर्थ अनुसूची माने चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है, राज्यसभा में सीट का आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र का विवरण दिया गया। अनुसूचित क्षेत्र का विवरण दिया गया है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के प्रशासन से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के प्रशासन से संबंधित है, ये छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में तीन अनुसूची का विवरण दिया गया, तीन अनुसूची अनुसूची का विवरण दिया गया, जिसमें आता है राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का विवरण दिया गया, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का विवरण दिया गया है। हमारे संविधान में कितने भाषाएं वैलिड हैं, 22 भाषाएं वैलिड हैं, जिसमें बिरौनवेवा संविधान संशोधन ने मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को बिरौनवेवा संविधान संशोधन में लाया गया था, आठवीं अनुसूची में दिया गया था। अब ये नौवीं अनुसूची में भूमि अधिनियम दिए गए हैं, भूमि अधिनियम नौवीं अनुसूची में दिए गए हैं, भूमि अधिनियम। दसवीं अनुसूची बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दसवीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जिसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल से संबंधित दसवीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के प्रावधान से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज के प्रावधान से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर निकाय या नगर पालिका से संबंधित है, 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों, पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।